This is Anirudh from Muscle Clinic. In this episode, we'll review and discuss about the best pre-workouts I ever had. Stay tuned with us. जैसा कि मैंने बताया आपको कि इस एपिसोड में मेरे जो फेवरेट और बेस्ट प्री-वर्कआउट्स है उसके बारे में बात करेंगे, जो इंडिया में अवेलेबल है और जो बाहर से हमें इम्पोर्ट करानी पड़ती है। तो पहले हम लोग जाएंगे जो मेरा इंडिया में अवेलेबल है, सबसे फेवरेट प्री-वर्कआउट आज के टाइम पे चल रहा है, गैट का नाइट्रोफ्लेक्स। ठीक है, अब मैं इसको बताता हूँ मैं आपको क्यों मुझे ये पसंद है। क्योंकि ये बहुत ही अच्छा एक किक देता है और ये माइल्ड किक देता है, मतलब एग्रेसिव वाला किक नहीं देता, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें आपका कैफीन नहीं है जिस वजह से आपको इरिटेशन हो। और इसमें जब बेस्ट पार्ट ऑफ दिस प्री वर्कआउट इज, इसमें बहुत सारा आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट भी होता है, बिकॉज ये जो आता है हमेशा टेस्टोस्टेरोन बूस्टर के साथ आता है ये। तो ये कैसा है, जो ये प्री वर्कआउट है ना, बहुत ही अच्छा, मतलब आपको ना ज्यादा इरिटेट नहीं होंगे आप इससे, आपको मजा आएगा प्री वर्कआउट करने में। फोकस अच्छे से करता है और आपकी एनर्जी मेंटेन रखता है, एटलीस्ट लाइक 60 मिनट्स तक आपका एनर्जी मेंटेन रखता है। तो मेरे हिसाब से मतलब ये इंडिया में इजीली आजकल अवेलेबल है, पहले नहीं होता था गैट का, बट अभी इंपोर्टेंस आ गया है इसके, यहाँ पर इंडिया में अवेलेबल है, आपको MRP के साथ ही मिलेगा अभी। तो ये बहुत ही अच्छा प्री वर्कआउट है जो मेरा फर्स्ट रैंक पे, जो इंडिया में अवेलेबल है। नेक्स्ट हमारा जो सेकंड रैंक का प्री वर्कआउट है उस पे जाते हैं, जो हमेशा अवेलेबल है और काफी फेमस भी है। हाइड आपने सबने सुना होगा, बस मेरे हिसाब से थोड़ा सा लगता है इसका कैफीन का डोज ज्यादा है, जिससे मतलब बिगनर है तो प्लीज आप इसको मत स्टार्ट करिएगा डायरेक्ट कि आप हाइड ले लिए, तो आपको बहुत ज्यादा मतलब इरिटेशन हो जाएगा, क्योंकि कैफीन का बहुत ज्यादा किक लगता है। बीटा एलानिन भी हाई है, सिट्रुलिन भी बहुत हाई है इसमें, तो इससे क्या होगा आपको ना, मतलब जैसे मतलब पैल्पिटेशन हो जाएगा थोड़ा सा, आपका ब्लड फ्लो ज्यादा बढ़ जाएगा, और स्पेशली जो कान के पास है ना, आपको जिन टाइप का लगता है जो प्री वर्कआउट, सबको पता है बीटा एलानिन के वजह से, मैंने पिछले वक्त वीडियो में भी आपको डिस्कस किया था उस बारे में। तो ये मेरा सेकंड जो फेवरेट है जो इंडिया में अवेलेबल है और आराम से मिलता है, आजकल MPNE इसके डिस्ट्रीब्यूटर है, तो आपको हमेशा जेन्युइन प्रोडक्ट ही मिलेगा इसका। ठीक है, तो अभी चलते हैं मेरा फेवरेट और द लास्ट प्री वर्कआउट, दैट इज स्किलेट 5% न्यूट्रिशन किलेट। ये फ्रेंड्स, मैं क्या हुआ कि मैं मतलब बहुत ज्यादा मैं अट्रैक्टेड था रिच पियाना की बॉडी से, मुझे लगता है समडे मैं क्यों उनसे मिल पाऊँ, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे बीच नहीं रहे अभी। मैं हमेशा उनको फॉलो करता हूँ और मैं एक यूट्यूबर भी बना हूँ उनकी वजह से, उनका चैनल पे बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, और मैं मतलब भले ही वो स्टेरॉइड लेते हो या जो भी लोग उनके हिटर्स भी है, लवर्स भी है, बट जो भी उनके बारे में बोलते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, बट वो बहुत फेमस इंसान थे, बहुत अच्छे बिजनेसमैन थे, और द बेस्ट थिंग इज बहुत अच्छे बॉडी बिल्डर थे, और उनके जो भी इंग्रेडिएंट है शायद ही हमारे इंडिया में जो अवेलेबल है प्री वर्कआउट में कहीं पर भी अवेलेबल है, बहुत सारी चीजें, क्योंकि मैंने काफी सारे इनके जितने भी आपके प्री वर्कआउट्स रहते हैं, जैसे 5150 किलेट और एक आता है फुल एस्पक, तो मैंने ये सारे प्री वर्कआउट ऐड की मतलब अपने बॉडी में मैंने यूज करके रखा हुआ है, और दिस आर द बेस्ट प्री वर्कआउट, कि मुझे इतना अच्छा किक दिया इन्होंने और बहुत टाइम तक एनर्जी रहती है। और मैं रिच पे आना के सारी चीजें मैं कोशिश कर रहा था कि इंडिया में शायद इंपोर्ट करा के आप लोगों को भी प्रोवाइड करा पाऊँ, बट ऐसा भी हुआ नहीं, अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई, तो उसके बाद से जो इंडियन मार्केट में आने का उनका 5% न्यूट्रिशन का था वो नहीं आ पाया। तो लेकिन आप अगर USA या कहीं पर फॉरेन कंट्रीज से आपके कुछ रिलेटिव होंगे या आप जा रहे हैं, तो प्लीज ये प्री वर्कआउट जरूर ट्राई कीजिए किलेट। ये मैंने सबसे पहली टाइम यूज किया था और मुझे बहुत मजा आया। ये थे हमारे कुछ जो बेस्ट प्री वर्कआउट जिसके बारे में मैंने आपको बताया। लेकिन फ्रेंड्स, मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया हुआ था कि प्री वर्कआउट के हैबिचुएटेड मत होइए, जब आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग वर्कआउट रहे तभी आप प्री वर्कआउट लीजिए, ऐसे नहीं कि आप कुछ भी वर्कआउट छोटे छोटे मसल ट्रेन कर रहे हैं या कार्डियो कर रहे हैं उसके पहले आप प्री वर्कआउट ले रहे हैं, आप हैबिचुएटेड मत हो जाइए। जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में प्री वर्कआउट के बारे में बताया था कि आप हैबिचुएटेड हो गए तो उससे क्या होगा कि आपको डोजेस बढ़ाने पड़ेंगे और एक टाइम के बाद आपके ऊपर कोई प्री वर्कआउट काम नहीं करेगा। तो अगर प्री वर्कआउट्स के बारे में या कोई भी आपको फिटनेस रिलेटेड क्वेरीज है तो मेरे इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करिए, मसल क्लिनिक बाय अनिरुद्ध, यहाँ पर लिंक आ रहा होगा, मैं उसमें हमेशा एक्टिव रहता हूँ, तो उसमें आप मुझे पर्सनली DM करके डायरेक्ट मैसेज करके आप मुझसे क्वेरीज को पूछ सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। यहाँ पर भी कमेंट करिए आप कुछ प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ पर भी हमेशा रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू डिड देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल, कीप पंपिंग, स्टे ब्लेस्ड।